नमस्कार दोस्तों, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इडली बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इडली बनाने के लिए कुछ सामग्री देखते हैं। इडली बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार ली है। इसी गिलास से हमने नापा है, एक गिलास दाल, दो गिलास चावल, नमक, बेकिंग सोडा। तो चलिए इडली बनाना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले चावल और दाल दोनों को बहुत बारीक पीस लेंगे। दाल चावल को भिंगाते समय हमने चावल में एक चम्मच मेथी दाना भी डाला है, इससे इडली बहुत ही अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं हमने चावल और दाल को पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चौथाई चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे। इन दोनों सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने दाल और चावल को रात में ही फुला लिया था, इसीलिए हमारा दाल चावल बहुत अच्छी तरह से फूल गया था, जिससे इसमें खमीर उठ चुका है। अब हम इडली बनाएंगे इसे। जब हमने दाल चावल को भिंगाया था तो उसको ढककर रख दिया था, इसलिए दाल चावल बहुत अच्छी तरह से फूल गया था। आप देख सकते हैं हमारा बैटर बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब हम इडली बनाना शुरू करते हैं। अब हम इडली बनाने के लिए इडली मेकर लेंगे, उसको तेल से ग्रीस करेंगे, इस तरह से सभी खानों को ग्रीस करेंगे, जिससे हमारा इडली चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। हमने सभी प्लेट्स में ग्रीस कर लिया है। अब एक एक करके सभी प्लेट्स में बैटर भरेंगे इस तरह से। एक एक चम्मच भरते जाएंगे। अब इसके ऊपर दूसरा प्लेट रखेंगे, उसमें भी बैटर भरेंगे। इसी तरह से इस प्लेट्स में भी भर लेंगे। हमने सभी प्लेट्स में बैटर भर लिया है और इसको सांचे को गर्म पानी में इस तरह कढ़ाई में रख दिया है। अब इसको ढक देंगे और 10 मिनट पकने देंगे। दस मिनट हो चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं इडली को। आप देख सकते हैं इडली बहुत ही अच्छा फूला है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद इडली को हमने चाकू की सहायता से निकाल लिया है सांचे से। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी एकदम बिल्कुल परफेक्ट इडली, देख सकते हैं कितना फूला फूला बना है, बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नारियल की चटनी के साथ इडली एंजॉय करिए। आप चाहें तो इडली को फ्राई करके भी खा सकते हैं या सांभर के साथ भी खा सकते हैं।